हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग सब जानते हो, आजकल कार की चाबियों की जगह एक छोटे से रिमोट ने ले ली है, जिसका एक बटन दबा के आप गाड़ी को लॉक कर सकते हो, गाड़ी को अनलॉक कर सकते हो। कभी आपने सोचा है कि जब आप अपनी गाड़ी के अंदर लैपटॉप, पर्स, फ़ोन ऐसी चीज़ें रख के रिमोट से उस गाड़ी को लॉक करके चले जाते हो, तो वो सामान आपकी गाड़ी के अंदर कितना सेफ़ रहता है? तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि गाड़ी का लॉकिंग मैकेनिज्म किस तरह काम करता है। इसमें बेसिकली दो पार्ट होते हैं, एक रिसीवर होता है और एक ट्रांसमीटर होता है। रिसीवर आपके गाड़ी के अंदर लगा हुआ रहता है और ट्रांसमीटर आपके रिमोट में लगा हुआ रहता है। जब आप अपने रिमोट के अंदर अनलॉक वाला बटन दबाते हो, तो एक फ्रिक्वेंसी रिमोट से ट्रांसमिट होती है, और वो फ्रिक्वेंसी अगर रिसीवर कैच कर लेता है तो आपकी गाड़ी खुल जाती है या बंद हो जाती है। वैसे तो ये तरीका बहुत ही सिक्योर दिखता है, लेकिन इसके अंदर भी कुछ एक दिक्कत है। जब आप अपने रिमोट से अनलॉक वाला बटन दबाते हो, तो एक फ्रिक्वेंसी चारों तरफ जाती है। तो अगर उस रेंज के अंदर आपकी कार होगी, तो आपकी कार अनलॉक हो जाएगी। लेकिन उस रेंज के अंदर मान लो एक ऐसा रेडियो रिसीवर हो जो आपकी फ्रिक्वेंसी को कैच कर रहा हो और उसको रिकॉर्ड कर ले, और फिर आपके जाने के बाद वही फ्रिक्वेंसी दोबारा रिपीट करे आपकी कार की तरफ, तो आपकी कार अनलॉक हो जाएगी। तो आज हम वही करने वाले हैं। सबसे पहले चाबी की फ्रिक्वेंसी रिकॉर्ड करने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि जो कार की है वो कौन सी फ्रिक्वेंसी पे काम करती है। तो ये जानने के लिए अपन चलते हैं गूगल पे और यहाँ पर सर्च करते हैं इंडियन कार की फ्रिक्वेंसी। तो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कि एशियन कार्स के अंदर 433 MHz की फ्रिक्वेंसी काम आती है, और मार्केट में 433 MHz के रेडियो मॉड्यूल्स भी अवेलेबल है, तो मैंने उसी को काम में लिया है। तो अब हम समझते हैं कि ये सर्किट किस तरह काम करेगा। ये आर्डिनो यूनो बोर्ड है, यहाँ तीन पुश बटन दे रखे हैं, और ये 433 MHz का रिसीवर है, आज रेडियो रिसीवर, और ये 433 MHz का रेडियो ट्रांसमीटर है, और ये रिसीवर का एंटीना है, और ये ट्रांसमीटर का एंटीना है। और ये जो पहला बटन है, ये ट्रिगर का बटन है, और ये वाला है स्कैन का, और ये वाला रीसेट का। तो फ्रीक्वेंसी को रिकॉर्ड करने के लिए अपन को सबसे पहले ये स्कैन वाला बटन दबा के रखना है, उसके बाद में ही फ्रीक्वेंसी को प्ले करना है। और एक बार फ्रीक्वेंसी रिकॉर्ड होने के बाद में ही बटन छोड़ देंगे, और उसके बाद में ट्रिगर वाला बटन दबाएंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, गाड़ी अनलॉक हो गई। अब बात आती है कि गाड़ी की चाबी को हैक करना इतना आसान है कि नहीं। जी नहीं, गाड़ी की चाबी को हैक करना इतना आसान नहीं है। जो पुरानी गाड़ियाँ आती थी, उनके अंदर ये वाली चीज़ होती है। अभी जो नई गाड़ियाँ आ रही है, उनके अंदर ये चीज़ नहीं होती है। पुरानी गाड़ियों के अंदर हर बार एक ही फ्रिक्वेंसी बार बार काम में ली जाती थी, मतलब ऑन करोगे तो फ्रिक्वेंसी सेम जाएगी, और दोबारा ऑन करोगे तो फ्रिक्वेंसी सेम ही जाएगी। लेकिन अब की जो गाड़ी आ रही है, इसके अंदर एक रोलिंग कोड नाम का नया तरीका आ गया, जिसके अंदर हर बार एक यूनिक कोड भेजता है ट्रांसमीटर, मतलब आपका रिमोट हर बार एक यूनिक कोड भेजेगा। जब भी आप ओपन करोगे, गाड़ी को ओपन करोगे, तब एक यूनिक कोड जाएगा, और बंद करने के बाद दोबारा ओपन करोगे आप, तो उस वक्त दूसरा कोड जाएगा। तो वही सेम कोड बार बार काम में नहीं जाता, बार बार काम में नहीं लिया जाता। तो ये चीज़ है। और जो जो मैंने जो करा है, वो स्टैटिक कोड वाली चाबियाँ होती है, उसके अंदर ही एप्लीकेबल है। मतलब जो पुरानी गाड़ियाँ आती थी, जो पुराना सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम होता था, उसके अंदर ही ये चीज़ हो सकती है। तो इस वाली वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कर देना आपके दोस्तों के साथ में, और अगर अच्छी लगी तो लाइक भी कर देना। थैंक यू।